क्वेश्चन नंबर 158, ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिमिनिश्ड बाय 40%। आपको क्या बोला, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी जितनी भी साइड्स हैं आपने वो सारी की सारी साइड्स 40% डिमिनिश मीन्स कम कर दी, डिक्रीज्ड बाय, डिमिनिश क्या होता है, डिक्रीज्ड बाय 40%। बाय हाउ मच परसेंट इज़ द एरिया ऑफ द फील्ड डिमिनिश्ड, आपने बताना है उसका एरिया कितना प्रतिशत कम हो गया है, कितना डिक्रीज कर गया है। तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की मैं लेंथ और ब्रेथ दोनों को 100 मान लेता हूँ, ठीक है, दोनों को मैंने 100-100 मान लिया। सारी की सारी जो साइड्स हैं इसकी, मीन्स लेंथ ब्रेथ ही हैं, वो क्या डिमिनिश होगी, डिमिनिश मीन्स ये छोटा बनेगा उससे, ठीक है, ये वाला जो रेक्टेंगल बनेगा उससे छोटा बनेगा, तो डिमिनिश हो गया 40-40%। तो लेंथ 40% डिमिनिश होगी, मीन्स 100 का 40% कितना होता है, 40, 40 मीन्स कम होगी, 40% कम होगी मीन्स 40 कम होगी तो 60 रहेगी। ऐसी ब्रेथ भी है जो 40% डिमिनिश मीन्स कम होगी तो वो भी कितनी रहेगी, 40 कम कर दो 100 में से 60 रहेगी। तो एरिया बताओ कितना फ़र्क पड़ा, पहले एरिया निकालो कितना था, एरिया कैसे निकलता, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ 100 थी पहले, ब्रेथ भी 100 थी, तो कितना था पहले एरिया, 10,000 था। अब देखो, अब लेंथ इंटू ब्रेथ करो, 60 इंटू 60 कितना आया, 3600। तो हुआ क्या, देखो आपका जो एरिया है पहले 10,000 था, अब कितना रह गया, 3600। परसेंट डिक्रीज बताना है आपने, परसेंट डिमिनिश कितना डिक्रीज़ किया, देखो 10,000 में से 3600 निकालो तो 6400 आएगा, तो कितना डिक्रीज हुआ, 6400। जितना डिक्रीज हुआ ऊपर रखो, जितना था पहले उसको नीचे इनटू 100, दो जीरो से दो जीरो कट गई, ये दो जीरो से ये जीरो दो जीरो कट गई, आंसर आया आपका 64%, 64% एरिया कम हो जाएगा।